किन्नरों के बारे में हम सबको पता है, लेकिन उनके बारे में आज भी कई ऐसी बातें हैं जिसे हर कोई नहीं जानता। उनकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। हर सामान्य इंसान की तरह उनकी जिंदगी बिल्कुल नहीं होती। इनका जीवन जीने का तरीका अलग होता है, रहन सहन का तरीका अलग होता है। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और उसी समाज में ये लोग रहते हैं। हर समाज की ही तरह किन्नरों के भी कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं। जन्म से लेकर मरने तक ये लोग कई अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, जो कि हमारे समाज से बिल्कुल अलग होता है। आमूमन हर इंसान की मुलाकात रोजाना ही किसी न किसी किन्नर से जरूर हो जाती होगी। भले ही हम एक बार भिखारी को कुछ पैसे ना दे, लेकिन किन्नर को जरूर दान में देते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि किन्नरों को दान में पैसे देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि हमेशा हंसते खेलते रहने वाले किन्नरों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। किन्नरों का इतिहास वैसे तो काफी पुराना है, और आज हम आपको उन्हीं के कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। किन्नर ना तो पूरी तरीके से आदमी होते हैं और ना ही पूरी तरीके से औरत। इनकी शारीरिक संरचना आधे मर्द तो आधे औरत के रूप में की जाती है। अगर ज्योतिष के अनुसार इसे देखा जाए तो कुंडली में जब शुक्र बुध शनि ग्रह की स्थिति विपरीत दिशा में चल रही होती है और उनके साथ राहु केतु का प्रभाव इन ग्रहों पर भारी होता है, तब ऐसे स्थिति में किन्नरों का जन्म होता है। इसी के साथ अगर वैज्ञानिक तर्क को समझा जाए तो गर्भ धारण करने की अवस्था में गर्भ में वीर्य और रज दोनों की मात्रा समान होने पर किन्नर पैदा होती है। किन्नरों का जन्म का रहस्य जितना हैरान कर देने वाला है, उतना ही इनकी मौत का रहस्य भी हैरान कर देता है। आपको ये बता दें कि किन्नरों की मौत हमेशा गुप्त रखते हैं और दुनिया की नजरों से बचाकर मृतक का अंतिम संस्कार करते हैं। कई लोगों का मानना है कि किन्नर किसी दूसरे किन्नर की मौत का मातम नहीं मनाते, बल्कि खुश होते हैं कि उन्हें ऐसी जिंदगी से मुक्ति मिली है। किन्नर समाज के भी अपने रीति रिवाज होते हैं। जब भी इस समाज में कोई नया किन्नर सदस्य आता है, तब उसका स्वागत बहुत ही गाते बजाते तरीके से किया जाता है। आम लड़के लड़कियों की ही तरह किन्नर भी बकायदा पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं। किन्नर अपने आराध्य देवता यानी कि आरावन से साल में एक बार शादी करते हैं और बड़े धूमधाम के साथ दुल्हन की तरह सजती हैं, सवरती हैं और हर रस्म करती हैं। आपको यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि शास्त्रों में भी किन्नरों का उल्लेख मिलता है। महाभारत की बात आपको बता दें, महाभारत में जब पांडव एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए गए थे, तब अर्जुन एक साल के लिए किन्नर ही बने थे। पुराने समय में भी राजा महाराजाओं के यहाँ नाचने गाना करने वाली जो जीविका होती थी, वो किन्नर ही हुआ करती थी। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक रुपए का सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि एक मान्यता तो कुछ इस प्रकार की भी है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है, तो वहीं दूसरी मान्यता ये कहती है कि अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है।
बात करें पुरानी मान्यताओं की तो शिखंडी को किन्नर माना गया। शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। आपको ये बता दें कि किन्नर जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका अंतिम संस्कार काफी गुप्त तरीके से किया जाता है और खुशियां मनाई जाती है उस समय पे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिली। हमेशा हंसते गाते रहने वाले किन्नर, आपको बता दें कि एक शोध में ये बात सामने निकल कर आई है कि किसी आम इंसान से हमेशा किन्नरों की उम्र 20 साल ज्यादा होती है। अगर देखा जाए इस शोध की बात माने, और इसके पीछे की वजह ये है कि किन्नर हमेशा खुश रहते हैं। उनके पास स्थिति चाहे कैसी भी हो, उनका जीवन कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आयु किसी भी आम व्यक्ति, आदमी या औरत से 20 साल ज्यादा होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।